लोग कहते हैं कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत होना भी तय है, बट मेरी सर्वाइवल सीरीज़ का ऐसा अंत होगा मैंने सोचा भी नहीं था। 5 अक्टूबर 2023, उस दिन गेम के अंदर एक नया अपडेट आया था एंड मैंने जैसे ही ये देखा मैं तुरंत डिस्कॉर्ड पे जाके एपीके डाउनलोड कर लेता हूँ एंड फिर उसके डाउनलोड हो जाने के बाद मैं इसे इंस्टॉल भी कर लेता हूँ। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं गेम को अपडेट्स चेक करने के लिए खोलता हूँ तो मुझे पता चलता है मेरा वर्ल्ड करप्ट हो चुका है। सो, क्या यही अंत था मेरी सर्वाइवल सीरीज़ का? क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए? यही सवाल मैंने आपसे पूछा। मैंने एक पोस्ट करी जिस पर मैंने आपसे पूछा क्या मुझे एक नई सर्वाइवल सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए एंड आप लोग के कमेंट्स ने मुझे फुल मोटिवेट कर दिया एक नई सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने के लिए। एंड हेयर आई एम स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एंड इस सर्वाइवल सीरीज के अंदर मैं बहुत सारी ऑसम चीजें करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो जाए। सो देर किस बात की, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग को एक वर्ल्ड का नाम रखना होगा, तो मैं इस वर्ल्ड का नाम रखूंगा स्टारलाइट, चमकता हुआ सितारा, लेकिन मेरे फ्यूचर में तो अंधेरा ही है। एंड फाइनली मैं स्पॉन हो चुका हूँ अपने वर्ल्ड के अंदर, बट मुझे ये तो पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। सो दैट्स व्हाई इस एपिसोड के अंदर मेरे होने वाले 3 गोल। सबसे पहला, मुझे अपने रहने के लिए एक विलेज ढूंढना है एंड सेकंड, मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए फुल आयरन आर्मर एंड द लास्ट, हम लोग बनाएंगे एक बहुत ब्यूटीफुल घर एंड बहुत सारी एक्साइटमेंट भरी चीजें होने वाली है। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना यार। खैर आगे बढ़ते हैं। सो हर वर्ल्ड की तरह मुझे सबसे पहले कुछ लकड़ियां जमा करनी होंगी एंड बनाते हैं कुछ वुडन टूल्स। ये गई मेरी एक्स और ये गई मेरी पिकैक्स। सो अपग्रेड करने के लिए मुझे कुछ स्टोन्स भी चाहिए होंगे, तो जल्दी से जमा कर लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, एक नए वर्ल्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक आर्मर, एक घर या बेड या खाना? अरे इसमें सोचना क्या यार, सबसे जरूरी तो खाना होता है, तो मुझे भी कुछ खाना जमा करना होगा एंड ये मैं कैसे करूंगा? बस और जानवरों को मारूंगा तो माइनक्राफ्ट के गॉड बुरा मान जाएंगे। फिर मैं बनाता हूँ अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स एंड थोड़ी दूरी पर मुझे नजर आता है कोल एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही कोल था एंड उस कोल को फर्नेस में डाल के मैं कुक कर लेता हूँ अपने लिए कुछ खाना एंड ना जाने कब ये सब करते हुए दिन का पहला सूरज डूबने भी लगता है एंड जल्दी ही रात होने वाली थी एंड अगर रात को मैं नहीं सोऊंगा तो ज़ॉम्बीज़ मुझे परेशान करेंगे एंड मेरा ज़ॉम्बीज़ से लड़ने का मूड भी नहीं है। क्या मतलब मैं नूब हूँ, वो तो बस मेरा मन नहीं कर रहा है। सो देन मैं बनाता हूँ अपने लिए एक बेड एंड रात को सुकून की नींद सो जाता हूँ एंड सुबह मुझे दिखाई देती है एक स्पाइडर, इसको तो मैं ठिकाने लगा देता हूँ एंड मुझे आगे की ओर जाना था बट ये नदी मुझको रोक रही थी, बट डायरेक्शन को रोक सके ऐसी कोई दीवार नहीं बनी, तो ये नदी क्या चीज है, मार देता हूँ छला। एंड फिर मुझे दिखाई देती है शुगर केन एंड इसकी हेल्प से तो हम पेपर बना सकते हैं, सो जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेते हैं एंड देन मैं थोड़े से सैंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या पता ग्लास बनाना पड़ गया। आगे मुझे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिसका मतलब है बहुत सारा आयरन और कोल एंड रियली यहाँ पर बहुत सारा कोल था। सो फिर कोल कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है क्रीपर मामू से, जो कि लग रहा बहुत गुस्से में थे। अरे बस डैमेज हुआ, चलो खैर कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर मुझे मिलते हैं कुछ आयरन, तो इनको मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ, कोल को कैसे भूल सकते हैं। एंड फिर मैं कोल से बनाता हूँ कुछ टॉर्चेस। एट द पॉइंट यहाँ पर स्पॉन हो जाता है स्केलेटन, जो कि मुझे एक एरो शूट करता है एंड मैं इसे मारने को जाता हूँ। मैं इसे हिट भी करता हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, तो मैं छलांग लगाता हूँ एंड मैं मर जाता हूँ। अरे यार बताओ, फॉल डैमेज से मर गया, अब जल्दी से चलो वरना मेरा सामान डिस्पॉन हो जाएगा। एंड फिर मैं यहाँ पर वापस पहुँचता हूँ एंड मेरा सामान यहाँ पर सेफ था, बट पता नहीं कहाँ से एक और क्रीपर आ जाता है एंड ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। अरे बाप रे, ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। एंड फाइनली मुझे अपना सारा सामान मिल जाता है, तो मैं जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेता हूँ एंड सबसे पहले इस केव को लाइट अप करते हैं वरना फिर कोई स्केलेटन स्पॉन हो जाएगा एंड मुझे परेशान करेगा। सो देन मैं जल्दी से बेड लगा के सो जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपना आयरन मेल्ट करता हूँ एंड पता नहीं कहाँ से एक मकड़ी आ जाती है, ये मकड़ियाँ मेरे पीछे बहुत पड़ी हैं। फिर मैं आयरन लेता हूँ एंड सबसे पहले अपने लिए शील्ड बना लेता हूँ क्योंकि ये बहुत काम आती है एंड मेरे पास अब एक ही आयरन बचाता है, बट किस्मत से अंदर एक और आयरन मुझे दिख जाता है, सो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर मैं बनाता हूँ अपने लिए स्वॉर्ड। क्रेडिट मैं उस पहाड़ से निकल आता हूँ एंड फिर मैं कोशिश करने लगता हूँ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की एंड बहुत संघर्ष करने के बाद मैं यहाँ पर चढ़ जाता हूँ। एक मिनट पीछे हो जरा, हाँ यहाँ तो आयरन है बेटा, मेरी नजरों से बच नहीं पाओगे, छील के दिखा है मेरी। एंड फिर मैं जब आगे बढ़ रहा था दूर मुझे दिखाई देता है घर एंड इसका मतलब था मैंने ढूंढ लिया था एक विलेज।
सौ विलेज तो मिल चुका था, अब इसे लूटना भी तो बनता है। बट इस विलेज में तो कुछ था ही नहीं, तो मैं जितना भी सामान था उसी को लूट लेता हूँ। एंड अचानक से मुझे दिखाई देते हैं गोलम मामू। और बताओ क्या हालचाल गोलम मामू, तो हमको तीन आयरन देके जाते हैं। एंड देन मैं डिसाइड करता हूँ इस घर के अंदर रहने के लिए, जिसका रास्ता बड़ा ऊटपटांग सा है। जल्दी सब कुछ सेटअप कर लेते हैं। सब कुछ सेटअप करने के बाद मैं आराम से सो जाता हूँ। एंड फिर मेरी अंदर आत्मा मुझसे कहती है, सो क्या रहा है वे? हाँ हाँ हाँ, जाके जल्दी अपना आयरन आर्मर बनाओ। हाँ ठीक ठीक ठीक, बना लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने भयानक सपने से जागता हूँ। एंड जैसा कि मेरी अंदर आत्मा ने कहा कि मुझे आयरन आर्मर बनाने की जरूरत है, फिर मैं प्रिपरेशन में लग जाता हूँ। अपने लिए कुछ फूड बनाता हूँ, कुछ टूल्स बनाता हूँ, एक बकेट, एंड फाइनली मैं रेडी था माइनिंग के लिए। सो देर किस बात की, चलते हैं कुछ ब्लॉक्स नीचे। एंड इस माइन के अंदर मुझे फिर एक स्पाइडर दिखाई देता है, जिसको मैं फिर ठिकाने लगा देता हूँ। एंड फिर मैं माइन के अंदर जल्दी से आगे बढ़ने लग जाता हूँ। एंड यहाँ पर मुझे दिखते हैं हड्डी पहलवान, इनसे तो पुराना हिसाब चुकता करना है। यस, अब सही है। एंड फिर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देता है आयरन, अब इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। सो देन जैसे मैं नीचे आता हूँ, मुझे दिखाई देता है ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी केव है। एंड इन ज़ॉम्बी को जल्दी से मैं ठिकाने लगाता हूँ। एंड यहाँ पर तो काफी सारे मॉब्स हैं यार, तो मैं जल्दी जल्दी सबको ठिकाने लगाता हूँ। एंड फिर भागते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एक मॉब स्पॉनर, सो मैं जल्दी से भागता हूँ यहाँ से। एंड फिर यहाँ पे वापस आता हूँ एंड जल्दी से इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। एंड चेस्ट के अंदर मुझे मिलता है 4 गोल्ड, 10 गन पाउडर, 6 रोटन फ्लैश, एक बकेट, एक हॉर्स आर्मर और एक डिस्क। ये माइन बहुत ही ज्यादा गहरी है, काफी नीचे को जा रही थी। एंड सच कहूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन था, मैं कह भी नहीं सकता यहाँ पे कितना आयरन था। सही बात है, मैं थक जाता हूँ आयरन जमा करते करते। नहीं यार तुम देखो, माने इतना आयरन माइन करने के बावजूद यहाँ पर अभी इतना आयरन बचा है, अब इसको भी जमा करना ही पड़ेगा यार, कोई नहीं कहेगा मैं लालची हूँ। एंड फिर मैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैं जितना सोच भी नहीं सकता उससे ज्यादा बड़ी ये माइन है। एंड इतनी बड़ी माइन को इस एपिसोड में तो एक्सप्लोर करना नामुमकिन है, इधर कभी और आएंगे। एंड मेरे पास इनफ आयरन जमा हो चुका था, तो मैं अपनी माइन से वापस निकल आता हूँ। एंड देन मैं बनाता हूँ कुछ फर्नेस एंड उन सब के अंदर अपना आयरन लगा देता हूँ मेल्ट होने के लिए। एंड फिर फाइनली सारा आयरन मेल्ट हो चुका था, सो इससे मैं बनाता हूँ अपना हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग, बूट्स और कुछ आयरन टूल। एंड तेरा भाई तो स्मार्ट लग रहा था यार, सच में ना? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो फिर रात हो जाती है एंड मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सोचता हूँ कि मैं कब तक इस विलेजर के घर में रहूंगा जहाँ अंदर जगह भी नहीं है। सो अब मैं डिसाइड करता हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल घर बनाने के लिए, एंड जिसके लिए मुझे चाहिए था काफी सारा मटेरियल। सो क्यों ना इसे एक मॉन्टेज से खत्म किया जाए। सो फाइनली मेरा सामान जमा हो चुका है एंड मैं अपना घर यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सो देर किस बात की, जल्दी से घर बनाना शुरू करते हैं। फाइनली तेरे भाई का घर बनकर रेडी हो चुका है एंड इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। एंड सही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है। एंड आप जितना ज्यादा इस वीडियो को सपोर्ट दिखाओगे, उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड डालने की कोशिश करूंगा। सो अपना पूरा सपोर्ट दिखा दो गाइस एंड इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स कंप्लीट करा दो, जो कि आज का टारगेट है। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसी अगली फाड़ू वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।